हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम फिर से ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, मोशन ऑफ अर्थ, तो फिर से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो पार्ट हमारा छुटा हुआ था। तो हम आज बात करते हैं समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में, हमें इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो अर्थ होती है हमारी टिल्टेड होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, और इसी तरीके से ही वो रोटेशन करती है और रिवोल्यूशन करती है, ऐसे ही जो है ऐसे ही जाती है, ठीक है, इस तरह से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिए ऐसे ये जाएगी, ठीक है, ऐसे ही रोटेट करेगी, ऐसे ही रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपने ये पढ़ा। फिर सन है, सन का एक पार्ट जो होता है सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, दूसरा पार्ट जो है अंधेरे में रहेगा। तो ये बात दोनों जो है आपको माइंड में रखना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या होता है, समर सॉल्स्टिस के बारे में हम बात करते हैं। ये 21 जून को होता है, समर का मतलब यानी गर्मियों के दिन। तो हमें मालूम है कि जो यहां से यहां तक जब आती है तो 6 महीना होता है, तो 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीना ठंडा का टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब इस तरह से इस पे पड़ेगी, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ये हमारा जो रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये रीजन जो है मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहां पर हीट ज्यादा पड़ेगी, यहां पर हीट नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी यानी कि, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, तो दो पार्ट होते हैं हमारे, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें डे और नाइट भी पता लगानी है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर हो जाता है, क्योंकि लाइट जो है सन की रेजेस पड़ा करेंगी मोस्टली, ठीक है, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो डे जो है लंबे हो जाएंगे और नाइट छोटी हो जाएगी, ठीक है। और इसका रिवर्स जो है इसके बैक साइड पे क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे शॉर्ट हो जाएंगे और नाइट लॉन्ग हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इस तरह से, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, देखिए कि फिर सन जो है घूम के आया इधर, ठीक है। अब हम विंटर सॉल्स्टिस के बारे में बात करते हैं। ये 22 दिसंबर को पड़ेगा, इसका रिवर्स ही करना है, बस कुछ और नहीं है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ जाएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कैसे भैया, ये पहले। तो विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है बेटा, ये साउदर्न वाले पार्ट जो है मैक्सिमम हीट सन से रिसीव करेंगे, मैक्सिमम हीट, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो टिल्टेड ही है अभी भी, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डार्क में चला जाएगा, ये वाला पोर्शन, यहां पर विंटर आ जाएगा, यहां पर समर आ जाएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाएगा, डे शॉर्ट हो जाएंगे, नाइट लॉन्ग हो जाएगी इस टाइम पे, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएगा, डे लॉन्ग हो जाएगा, नाइट शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये वाली लाइन क्या करेगी, मैक्सिमम हीट रिसीव करेगी सन से, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विनॉक्स, यहां तक घूम के आए ये लोग, देखिए ये 6 महीना, ये 6 महीना, ठीक है, इतना समझ में आया। इक्विनॉक्स में क्या होता है बेटा, इक्विनॉक्स में क्या होता है कि जो रेजेस होती हैं, अर्थ जो है टिल्ट नहीं करेगी इस एरिया में, अर्थ जो है टिल्ट नहीं करेगी, तो मैक्सिमम हीट जो है इक्वेटर पे पड़ेगी। जब मैक्सिमम हीट इक्वेटर पे जब पड़ती है तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, यानी कि डे और नाइट इस दिन जो है बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज है, इक्विनॉक्स हो जाएगा, यानी कि जब टिल्टेड नहीं होगी तो आधा आधा पार्ट सबको बराबर मिल जाएगा, आधा पार्ट दिन को, आधा पार्ट रात को, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि 21 मार्च को आधा दिन और आधी रात, यानी कि डे और नाइट बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये होता है। एक पॉइंट और इसका दिया गया है, ऑटम क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, ऑटम क्या होता है, समर के बाद आता है, स्प्रिंग क्या होता है, विंटर के बाद आता है, ठीक है। तो ये चीज है,
लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, जो डे और नाइट होते हैं किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से होते हैं। दो तरीके से मोशन होता है अर्थ में, पहले भी देखिए दो तरीके से रोटेशन होता है। एक अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी, इसको हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, और रिवोल्यूशन का मतलब यानी कि यह सन है, ठीक है, अर्थ जो है अपनी फिक्स ऑर्बिट में मूव करती रहती है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये याद रखेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स का मतलब क्या होता है? ये इस तरह का शेप होता है, अंडाकार, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे उतना हम और अच्छे से अच्छा मेहनत करेंगे और क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।